इतनी बुखलाहट क्यों है? हम तो हरियाणा में रुके हुए हैं, इतनी बुखलाहट क्यों है? वो वहाँ पे जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है वो हमारे खिलाफ भड़काने के लिए? अभी तो हम पंजाब में रुके हैं, हरियाणा पे बॉर्डर, वहाँ पे इतनी बुखलाहट, हमसे इतना डरा क्यों जा रहा है? हम तो उनके लोग हैं, हमको अन्नदाता ही रहने दो, हमको खेत में ही रहने दो, हमको जहाँ पे सड़कों पे मत लाओ। हम प्लीज बेनती करते हैं, प्रधानमंत्री जी को बेनती करते हैं, हाथ जोड़ के बेनती करते हैं, हमको खेत में ही रहने दो। अगर हम खेत से बाहर आएंगे तो ऐसे ही मिलेंगे आपको। दिन हो जा रहा तो लेकिन अपने हक लेकर रहेंगे? हक लेने आए, आंदोलन थोड़ी है, हमें हक दे दो हम वापस चले जाएंगे। यार हमारी सब्जी हमारी फसल का रेट क्यों नहीं है? अब फिर मरने को तैयार है, रोकने वाले ना रोकते रहेंगे। किसान जान होती तो MSP दे देते, ये बोलते हैं, लेकिन हम तो किसान हैं, दिल्ली हमारी है, प्रधानमंत्री हमारा है, हम तो जाएंगे, देखते हैं कि इस बार हमारी कितनी जाने लेती है सरकार का, जितना उसको खून चाहिए वो दे ले, करो जहाँ मरो दी नीति नाल हम आए ऐसे दम घुट घुट कर हम मरते हैं, वो ऐसा मरने से कार की गोली से मरना चाहते हैं। कोई हमारे पास हथियार नहीं है, बिल्कुल शांति से जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, आंदोलन तो हमारा, हम हक लेने आए, आंदोलन थोड़ी है, हमें हक दे दो हम वापस चले जाएंगे, ये आंदोलन थोड़ी है। हम तो अपने हक लेने के लिए दिल्ली जा रहे थे, हमें तो रास्ते में रोक दिया, दिल्ली तो अभी काफी दूर है जहाँ से, ये तो इनकी सरकार है हरियाणा में, इन लोगों ने हमें रास्ते में रोक दिया, हमारे को हमारी राजधानी क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? क्या पंजाब टैक्स नहीं दे रहा? किसान उग्र हो जाएंगे जाके फिर कब उग्र हुए थे? हमारे संग बहुत जो सामने खड़े हैं ना, वो हमारे बच्चे हैं, हमारे सैनिक हैं, वो हमें एक दूसरे में लड़ना जा रहा है, इनकी पहुंची है एक ऑब्जेक्ट आने किसान तो अपने अपने खेत के उगा के खा लेगा, हमें तो एक कल्ला नून लेना है, कल्ला नमक लेना है हमें, और कुछ नहीं लेना, सब चीज हमारे खेत में हो रही है, उगा खुद उगा सकते हैं। हम किन के लिए आंदोलन कर रहे हैं? तो जो गरीब लोग हैं, जिन्हें 500 का कमाना है 500 का खाना है, जिन्हें 500 का कमाया और खाने के लिए उन्हें 1000 चाहिए, तो फिर तुसी आप बोल, ये सरकार बताए वो कहाँ से लेके आएगा? भूखा मरेगा ना, कहे महंगाई बढ़ जाएगी, आम जनता जो गरीब है उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। ना, मेरी बात सुनो, जब गवर्नमेंट का हुक्म भी ले, महंगाई तो अब है, महंगाई तो अब है, क्योंकि हर एक चीज पे हर चीज, आप मेरे को एक बात बताओ, आपने कोई चीज इंटरेस्ट पे खरीद रहे हो, उनका मूल्य वहाँ पे लिखा जाता है, हमारी फसल का क्यों नहीं है? फिर सरसों का क्यों नहीं है? सब्जी का क्यों नहीं है? हम हमारे लौकी उगाते हैं, हम 2 रुपए किलो बेच के आते हैं, जब तक दोबारा हमारे घरों पे हमारे गरीब लोगों के घर तक जाता है वो 20 रुपए हो जाता है, आप मानते हो जाता कि नहीं? हम कितने में देखे हैं? 2 रुपए में, लेकिन वो ब्लैक बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं ब्लैक में बिकता है, ब्लैक तो डबल होती है, 2 में बिका 4 में ब्लैक हो जाएगी, ये तो 20 में बिक रहा है, हमारा 2 में लेकर 20 में बेच रहे हैं, हमारी सब्जी का कोई रेट ही नहीं है, फिर हम बोले ना तो क्या करें? अभी 4 रुपए किलो आलू बिका है साढ़ा 4 रुपए किलो आलू बिका, 70 रुपए साड़ी कॉस्ट है पैदा करने की, 1 किलो पर 70 रुपए, जे असि 1 किलो आलू पैदा करूंगे तो 70 रुपए लगते हैंगे खर्चा, समझे नहीं बात, हूँ 4 रुपए 3 रुपए आलू बिक रहा हूँ। हम जो खेती पे
जो खेती पे आप भारत सरकार से पंजाब सरकार से जो स्प्रे ले रहे हैं कीटनाशक वो ले रहे हैं उनका भी रेट है ना, जो यूरिया ले रहे हैं उनका भी रेट है ना, जो हम जो भी हम ले रहे हैं हम इनसे ले रहे हैं उनका एक रेट है। यार हमारी सब्जी हमारी फसलों का रेट क्यों नहीं है? लेकिन आप जो तमाम बातें कह रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये है कि यहाँ पर इतने लंगर चलते हैं उसके लिए पूछा जा रहा है कि फंड कहाँ से आ रहे हैं? मेरी बात सुनो मैडम, एक फंड कहीं से नहीं आ रहा। हमारा 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 गुरु साहब थे गुरु नानक देव जी, वो 20 रुपए की एफडी करा के गए थे, वहां से आ रहा है। एक गुरु गुरु साहब दे रहा है हमारे को लंगर, हम ही लंगर लगा रहे हैं। आप लोगों के आंदोलन के चक्कर में कई ऐसे लोग हैं जान गई, शहादत है, पिछले भी 3.5 किसानों को शहादत देनी पड़ी। आंखों की रोशनी चली गई आप लोग, अभी तीन चीज हो गए, अभी तैयार है, मरने को तैयार है, मरेंगे। आप ही लोगों की तो नुकसान हो रहे हैं ना। नहीं मेरी बात सुनो, आप बोल रहे हैं, देखो आप बोल रहे हैं हमारा नुकसान हो रहा है, उस टाइम आप क्यों नहीं बोल रहे जब हमारा सब्जियों का नुकसान हो रहा है, फसलों का नुकसान हो रहा है? वो कहाँ गया? वो हमारा नुकसान कौन करेगा? कोई बंदा नहीं बोल रहा है। छोटी सब्जी में हुण किन्नू का की हाल हो रहा है? किसान किसान कह रहे हैं, किसान सारी जान रहे हैं। किन्नू का क्या हाल हो रहा है? किन्नू खड़का पर कह रहे हैं जिम्मेदार, गवर्नमेंट कह रही है कि किसान हमारी जान है। देखो किसान जान होती तो MSP दे देती, हमारे 700 पहले से ही दो है, 3 अब हो गए, फिर हम किसकी जान है? हमारे को बोल रहे किसान हमारी जान है, हमारे 700 पहला चले गए, पहले इन्होंने बोला हम 23 फसलों पे MSP देंगे, दी बोले हम दे देंगे, हम उठ के चले गए। हमको लगा हमारे नेता है, हमने जिता के भेजे हैं, हमको दे देंगे, लेकिन वो मुकर क्यों गए फिर? किस उनका कोई जवान नहीं है, क्यों मुकरे वो? उन लोगों ने पहले से ही क्यों नहीं ऐसा बोला भी हम 5 पे देंगे, 6 पे देंगे, पहले 23 पे दे देंगे, तो फिर वो क्यों मुकर गए वो हमें? तो चौथी बैठक में जो हुई है तय किए गए कि 5% का MSP दिया जाएगा। पहली बात तो जो 5 पे हुई है उनमें से 2 से पहले से ही है। एक ऐसी फसल है जो पंजाब में नहीं होती, हमें 2 मिल रही है सर, बस 2 गुमराह करने की कोशिश। बिल्कुल मेरी बात सुनो, 2 तो पहले से ही है। एक कौन सी फसल है जो नहीं होती, क्या किस पे तो हमारे को मिल रहा है? पंजाब में सब होती है, लेकिन रवायती फसल है जो मौसम की वजह से, जहाँ पे कुछ फसलें हैं वो जहाँ पे नहीं, जैसे नारियल नहीं हो रहा क्योंकि जहाँ पे ऐसा माहौल नहीं है। बहुत ज्यादा फसलें हैं जो पंजाब में मौसम की वजह से नहीं हो रही। नहीं तो आप क्या चाहते हैं, सारे फसलों पर MSP मिले? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरी बात सुनो, हर एक चीज का जहाँ पे रेट तय, आप एक भी चीज बोलो आप जिसका रेट तय नहीं है, लेकिन हमारी 23 फसल की कीमत लिखी हुई है, शैम्पू पर भी कीमत लिखी हुई है, साबुन पर भी कीमत लिखी हुई है, साड़ी फसल तक क्यों नहीं कीमत लिख दे, क्यों नहीं कर दे भी इस रेट में थोड़ी है की है? तो अभी आपका दिल्ली चलो मार्च ऑन शुरू है, रोके गए हैं बॉर्डर पर, रोकने वाले ना रोकते रहेंगे, कैसे जाएंगे आपको यहाँ 8-9 दिन हो गए, ऐसे चले जाएंगे, कैसे जाएंगे सर, कैसे जाएंगे 8-9 दिन? जी एक बात तो ये है कि क्या बोलते हैं हमको, आंदोलन जीवी या परजीवी, क्या बोलते हैं? हाँ, आंदोलन जीवी, जब भी चुनाव आता है किसान पंजाब हरियाणा के किसान जरूर आंदोलित हो जाते हैं। ये जो हमारे नेता लोग हैं, जो हमारे जैसे प्रधानमंत्री हैं या बाकी सभी नेतागण हैं, जो वो ये देखो मुंह एक है, जुबान एक है, कभी तो हमको अन्नदाता बोल रहे हैं, कभी हमको परजीवी आंदोलन जीवी ये बोलते हैं, वो उनकी मर्जी है, हमने क्या क्या नाम रखेंगे, कैसे क्या बोलेंगे, बोले जाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन हम तो किसान हैं, दिल्ली हमारी है, प्रधानमंत्री हमारा है, हम तो जाएंगे। कहाँ जाने दे रहा प्रधानमंत्री, आपका ही प्रधानमंत्री रोके हुए हैं। हाँ कोई बात नहीं, वो रोक रहे हैं, हम उनके आगे तैयार है, हमने ये देखते हैं कि इस बार हमारी कितनी जाने लेती है सरकार, जितनी जिसको उसका जितना उसको खून चाहिए वो दे ले, हमको जेकर कितनी भी जाने हमारी लगेगी, जाने लाकर ये जो जरूरी मांगे है हमारी वो मिल जाए, हम सस्ता उसको मानेंगे, हमारा जो शरीर लग जाए हम सस्ता मानेंगे। हाँ बिल्कुल, करो जहाँ मरो दी नीति नाल हम आए हैं, जेकर नहीं हम आते तो हमारा बहुत मंदा आना है, एक कर्जे के साथ रोज रोज
कितने किसानों की खुदकुशी हो रही है, मृत्यु हो रही है, ऐसे दम घुट घुट कर हम मरते हैं, वो ऐसा मरने से ऐसे तो अच्छा सरकार की गोली से मरना चाहते हैं। बहुत अच्छा रहे, शहीद होंगे। अच्छा सर, आपने एक बात कही अन्नदाता, हम सब भी अन्नदाता ही मानते हैं किसानों को, वो कहीं अन्नदाता है, पर आजकल जो है एक बात चल रही है कि 80 करोड़ लोगों का पेट नरेंद्र मोदी भरते हैं, वो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो अन्नदाता आप क्या खेती करता मोदी? मेरी बात सुनो, मोदी ट्रैक्टर चलाता, खेती करता मोदी, ता देता है, बहुत ट्रैक्टर चलाता है। मेरी बात सुनो, वो हमारा माननीय प्रधानमंत्री है, हाँ। उसको हक है। हम ऐसे नहीं मान कह रहे भी हमारा प्रधानमंत्री नहीं है, हाँ। हम उनके अंडर हैं, हम ही किसान हैं, हम ही जो पूरा अनाज दे रहे हैं, अगर हम बंद कर दे फिर कहाँ से लेके आएगा वो, कहाँ से लेके आएगा? रूस से मंगा लेगा, पाकिस्तान से मंगा लेगा, कहाँ से लेके आएगा? हम दे रहे हैं तो फेर ही बैठ पा रहे ना, अगर हम देना बंद कर देंगे, हाँ। तो कहाँ से लेके आएगा? नहीं लेके आएगा ना, हाँ। आप ये तो मानते हैं, हाँ, हाँ, बिल्कुल। इसलिए हम अन्नदाता हैं, हमको अन्नदाता ही रहने दो, हमको खेत में ही रहने दो, हमको जहाँ पे सड़कों पे मत लाओ, हम प्लीज बेनती करते हैं प्रधानमंत्री जी को, बेनती करते हैं, हाथ जोड़ के बेनती करते हैं, हमको खेत में ही रहने दो, अगर हम खेत से बाहर आएंगे तो ऐसे ही मिलेंगे आपको, क्योंकि आप हमको जो हमारी फसलों पे मूल नहीं दे रहे ना, वो आपकी इनकी बहुत बुरी बात है, हर एक चीज की। सर एक ये और चीज है कि कही ये जा रही है कि आप लोगों को किसान कहा तो उनका अपमान होगा, जो सच में हर चीज में है, काम करते हैं, आप लोगों को किसान नहीं कहा जाना चाहिए। अब खेत में देखो कौन है, कोई है दिख रहा है? नहीं, तो हम ही है जो खेत में काम करते हैं। तो इस वक्त खेत पूरा खाली है? बिल्कुल खाली, शंभू बॉर्डर पे सारे किसान, बिल्कुल, जो कुछ लोग शंभू बॉर्डर पे हैं, कुछ लोग रास्ते पे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, और किसान आ रहे हैं बहुत ज्यादा, कितने की संख्या में आ रहे हैं? गिनती नहीं होगी, उसकी गिनती नहीं कर सकता, लाखों में होगी, लाखों में, बिल्कुल 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 बिल्कुल, और पूरे भारतवर्ष से आ रहे हैं, पूरी ट्रॉलियां कितनी संख्या में है, और आप लोग जो राशन कितने दिनों के लिए लेकर आए, जरा बताइए हमें। मेरी बात सुनो, हमारा गुरु का जो गुरु नानक देव जी का लंगर है, ये कभी खत्म नहीं होगा, हम खत्म हो जाएंगे, ये दुनिया में कभी खत्म नहीं होगा। दूसरा, आप अपने बाल गिन सकती हो? बिल्कुल, हम भी नहीं गिन सकते, तो मतलब अनाज का कोई अंत नहीं है, ये तो ये भी बोल रहे हैं भी आप ट्रैक्टर को लेके आ रहे हो, ट्रैक्टर तो हमारा बेटा है, पुत्र है हमारा, हमारा घर है, हमारा पुत्र है, हम घर, कोई भी अगर फैमिली घर से बाहर जाती है, अब बच्चे को बाहर छोड़ के जाती है क्या? हम हमारे बच्चे को कैसे छोड़ के आ जाए, हम तो लेके आएंगे, आप आपके बच्चे को घर में छोड़ के आ सकते हैं? तो ट्रैक्टर तो हमारा बेटा है, पुत्र है हमारा, हम नहीं छोड़ सकते इसके, हाँ। तो कल जो है परसों तैयारी है, बिल्कुल बिल्कुल, क्या क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल यही बस, शांत मैदान से देखो झंडा और डंडा, बिल्कुल शांति, कोई हमारे पास हथियार नहीं है, बिल्कुल शांति से जाएंगे, आगे से वो उनके पास गोलियां है, हमारे पास कोई वेपन है नहीं, आपने वहां से देखा हमारे पास पानी है, वो भी इतनी इतनी बोतलों में, हमारे पास प्रसादा है, हमारे पास खाने के लिए दाल सब्जी है, लंगर है, और आपने देखा हमारे पास कोई वेपन है? लेकिन तस्वीरें बहुत सारी वायरल की जा रही है कि किसान तलवार लेकर दिया है। नो, नहीं नहीं नहीं, एक एक बार और पूरी ब्रिस्टल में पूरी जो अंग्रेज लोग हैं वो भी हमारी श्री साहब को नहीं रोकते, जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, वो जो बोल रहे हैं ना, वो हमारी श्री साहब है, ना के वो हथियार जो तलवार है, पूरे पूरे जोर में भी नहीं रोका जा सकता, कहीं भी नहीं रोकते, हमारी पगड़ी और हमारा श्री साहब को जो गुरसिख है ना, वो जो को सरदार जी है, जी सरदार जी के पास जी, है जो हमारी निशानी है, जो निशान है सिर्फ हमारा, हाँ। जो कोई वेपन नहीं है, हाँ। इनको ही बताया जा रहा है कि एक बात हो रहा है, हाँ। जेकर ये सरकार के इतने कड़े सवाल है, हाँ। कि सरकार किसान आएंगे उनके पास क्या बोलते हैं कि तलवार रखी है, हाँ। क्या ऐसा है, डांगे हैं, डंडे हैं, झंडे हैं, हाँ। लेकिन ये इससे पहले ये
बातचीत का जरिया हमें खोल रखा है, वो समय क्यों आने देती है सरकार? अरे कैसे किसान नहीं मान रहे? जब भी सरकार ने बोला तो उसी वक्त मीटिंग के लिए हम कभी भागते नहीं है, हमारे कभी नेता भागते नहीं है, क्योंकि जो भी बातचीत होगी टेबल पर बैठ के होगी, हम करने के लिए तैयार हैं, दिन हो जा रात हो, लेकिन अपने हक लेकर रहेंगे। ये पता क्या है, हम किसान क्यों नहीं मान रहा? हम तो मानने के लिए तैयार है, बांध तो सरकार ली रही, कुछ दे रही, वो कुछ दे नहीं रही, हम तो तैयार है, हमें बोल दे, हम तो 5 मिनट में चले जाएंगे यहाँ से। किसान थोड़ी है भी वो मान नहीं रहा, सरकार नहीं मान रही है, इसलिए हम बेनती करते हैं सरकार को, वो जो उस तरफ है वो भी हमारे भाई है, ये तो किसान है ही है, वो हमारे ही बच्चे हैं, वो कहाँ से आए हैं? वो जो हमारे सामने ब्रूद लेकर घोड़े लेकर बैठे हुए हैं, वो कहाँ से आए हैं? वो भी हमारे ही है, वो दूर से थोड़ी आए हैं, कोई चाइना से थोड़ी आए हैं, हम तो चाइना सिख रेजिमेंट, अगर चाइना से हटा लेना, चाइना जहाँ वहां तक आ जाएगा, हमारे सिख सूर में है जो वहां पे चाइना पे उनको रोकी बैठे हैं, क्योंकि चाइना जो एरिया हमारा वहां पे था ना, वो सिख राज का वहां पे एरिया था। कहने का भाव ये है कि किसान यही खेत में काम कर रहा है, ये संघर्ष कर रहा है, और उसका जो बेटा है वो बॉर्डर पर रखवाली कर रहा है। ये देखो जी, हमारे पास जो ट्रॉली में जनरेटर, सूखा राशन, आटा, चाय, चावल, दाल, गैस, बालन, सभी प्रबंध है, पूरा 6 महीने साल लगा ले, हम बड़े दिल से आए हैं, क्योंकि पहले जो आंदोलन चला था 13 महीने चला था, इसलिए हम ये सोचते हैं उसके आगे लंबा भी चल सकता है, इसलिए सारी पूरी तुम्हारी तैयारी है, बिल्कुल। हम ठीक है, एक और सवाल मुझे याद आ गया, दिल्ली में भी इसी तरीके से नाकाबंदी भले यहाँ पे है, लेकिन हम दिल्ली से आए हैं और दिल्ली सेंट्रल दिल्ली में पूरी तैयारी कर ली गई है, वहाँ पर बस बैरिकेड पूरी तैयारी है, तो और वहाँ पर पब्लिक से बात करने पर तमाम ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं आम जनता को परेशानी हो रही है ट्रैफिक में, क्योंकि किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या करेंगे किसानों के कारण ट्रैफिक में लोगों को, आम जनता को परेशानी हो रही है, इस पर किसानों को क्या? हम ये बोलते हैं कि जैसे ये पहले डेट अनाउंस की 13 फरवरी को हम दिल्ली जाएंगे, तो वही डेट पर हम आए, लेकिन रास्ते में जब आए हैं तो 4 मीटिंग 4 गेट की मीटिंग सरकार के साथ हो चुकी है, अब समय है सरकार को आगे आना चाहिए, जेकर नहीं आती तो रास्ते में किसी को तंगी आती है, दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो उसकी जिम्मेवार सीधी सीधी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री जी है, हमारे बाकी नेतागण जो है वो है, सरकार है, कट्टर सरकार है, इतनी बुखलाहट क्यों है? इतनी बुखलाहट क्यों है? हम तो हरियाणा में रुके हुए हैं, इतनी बुखलाहट क्यों है? वो वहां पे जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है? वो हमारे खिलाफ भड़काने के लिए, पंजाब के किसानों को भड़काने, जनता को भड़का रही है, भड़का रही है, क्योंकि हम तो अभी हम तो हरियाणा में है, वहाँ पे अभी तो हम पंजाब में रुके हैं, हरियाणा पे बॉर्डर पे, वहाँ पे इतनी बुखलाहट, हमसे इतना डरा क्यों जा रहा है? हम तो उनके लोग हैं। वो दिल्ली वासियों को मैं फिर अपील करता हूँ, दिल्ली वासियों को अपील कर रहा हूँ, हम आपको कुछ नहीं करना, हम वहाँ पहले भी रहे, वहाँ पे हम पहले भी वहाँ पे लंगर हम खवा के आए, वहाँ पे पहले भी हमने कुछ नहीं किया, आप भी कुछ नहीं करने वाले, दिल्ली आपकी भी राजधानी है, हाँ हमारा हिस्सा है, हमारा तो है ही, क्योंकि हमने तो दिल्ली जीत के आपको दी है, हमारा क्यों नहीं है? पहले दिल्ली हमारी है, बाद में उसकी है, क्योंकि दिल्ली हमारे पूर्वजों ने जो जीत के दी है। फिर मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ भी, वहाँ पे इतनी नाकाबंदी ना की जाए, वहाँ पे अभी खोल दें, हम तो पंजाब में ही है, अभी पहले भी पंजाब में थे, पहले भी हमने कुछ नहीं किया। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जैसे सरकार ये लंबा पा रही है, टर्म टोल कर रही है, मांगों को नहीं मान रही, तो ये पंजाब का आंदोलन इसको मत बोलिए, ये पूरे देश का आंदोलन शुरू हो रहा है, सभी जथेबंदियां जो पीछे रह चुकी हैं वो पीछे आ रही हैं, क्योंकि जरूरी बन गया उनके लिए ये अपने हक सच की आवाज को, अब समय कि हम रहते समय में अपनी मांगे जो जरूरी है उसको लागू करवाएं, मानी हुई मांगे हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने पहले जब आंदोलन समाप्त हुआ था तो मांगी मानी थी, अब उनको प्रवानी की दे दे तो ठीक है। तो हमने किसानों से बात की यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर, पंजाब और हरियाणा का
जो है हाईवे है और यहाँ पर जो बॉर्डर बनाए गए हैं वहाँ पर मौजूद किसानों से बात की और डिसिप्लिन अगर आप देखें तो ये रस्सी के सहारे जो वो दूसरी तरफ है दी और दूसरी तरफ जो है जवान है और इस वक्त ये साफ बता रहे कि वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं, पुलिस फोर्स जिसे सरकार ने तैनात की है वो इन्हीं के बच्चे हैं और उनसे इनकी लड़ाई नहीं है, ये सरकार से मांग है और इस वक्त खेत सुना है कि वे किसान सारे यहाँ पर है और अपनी मांगों के साथ यहाँ पर मौजूद है, वो आगे दिल्ली जाना चाहते हैं। सरकार उन्हें बीच में रोक रही है लेकिन ये हार नहीं मानेंगे और पिछले दो तीन दिनों में जिस तरीके से तस्वीरें आई उसका समाधान किस तरीके से किसानों ने निकाला, उसको फेस कैसे किया वो सब कुछ आपने देखा। यहाँ पर ये भी लोगों ने बताया कि यहाँ पर रिटायर्ड आर्मी के लोग भी हैं जो जानते हैं आंसू गैस के गोले को कैसे डिफ्यूज करना है और क्या कुछ करना है वो सब कुछ जानते हैं, उसका तोड़ निकालना जानते हैं और इसके साथ किसान आगे बढ़ने को तैयार है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।